देखिए, लेकिन तब भी ये सारे दिए गाइस जगमगा रहे हैं, हमारी अयोध्या एकदम जगमगा रही है आज। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज आप सभी को हैप्पी दिवाली, वो भी छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। और आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं डायरेक्ट तीन काम से, वो है पहले जाला साफ करना है, फिर उसके बाद खीए इसको जो है साफ करना है, फिर उसके बाद जो है आगे जा रहे टॉयलेट किया तो उसको भी साफ करना है अच्छे से पोछा लगा करके, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दिवाली है तो भाई साफ सफाई का काम करने जा रहे हैं, तो चलते हैं काम साफ सफाई शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, इसमें ये इस ब्रश है ना, इसको अच्छे अच्छे से जब साफ कर देंगे तो सारी गंदगी इसके अंदर से बाहर तक सब निकल जाएगी। सो गाइस, अब शीशा चमकाने जा रहा हूँ और शीशा चमका देते हैं इसको ज़बरदस्त अच्छे से। और अब सोच रहे होंगे कि यार धनतेरस है, आज छोटी दिवाली और सफाई का काम चल ही रहा है, तो क्या बताएं यार, हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी है। एक व्यापार और व्यापारी की ज़िंदगी होती है ना, तो वो ऐसी ही ज़िंदगी है, लास्ट मोमेंट तक ना कुछ काम चलता ही रहता है। गाइस, इतना तगड़ा जाला छुड़ाया है काम से, इतने मोटे मोटे जाले जिसका कोई जवाब नहीं है, इतनी गंदगी है इसमें, इतनी धूल कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो सांस फूल जा रही है मेरी इसको जाला साफ करते करते, क्योंकि एलर्जी है मुझे, ब्रश में टूट गया ये तो यार, तो पोपट हो गया। जो विधि राखे राम वही विधि रही है, आपको जैसे जैसे जो आपके हाथ में आए, जो आपके जीवन में आए, आप उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। गाइस, ऐसा नहीं है केवल मैं ही काम कर रहा हूँ, खुशी कहीं कर रही है, मम्मी कहीं कर रही हैं, पूरा घर ही साफ सफाई में आज लगा हुआ है। चलिए गाइस, मम्मी को बता दें कि ये हमारा पोपट हो चुका है टूट करके। ए मम्मी, पोपट हो गया यार, ब्रश साफ करते करते टूट गया, पोपट हो गया। पूरी ताकत आजमा करके आज हल्के हल्के से कर रहे थे, लेकिन अब ये ब्रश ये जाला छुड़ाने के लिए, पेंट करने के लिए है ना, इस वजह से टूटा है। गाइस, फाइनली सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब कि अब सब कुछ लगभग हो गया, घर साफ हो गया, खिड़की साफ हो गई, ज़मीन साफ हो गया, फर्श साफ हो गया, सब कुछ, दीवारें साफ हो गई, जाला वाला साफ हो गया, और आखिरी में अब हमारा बचा है कि की कंप्यूटर का डेस्कटॉप, तो अब ये डेस्कटॉप साफ करते हैं फाइनली, बिकॉज इसमें भी लक्ष्मी जी आती हैं। ये इतने ढेर सारे इसमें पंखे लगे हुए हैं एक तो, और इसके ये धूल वूल सब, गर्दा वर्दा सब लगा हुआ, तो अब इसको आप देखिएगा कितने सिस्टम से साफ करेंगे। तो गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है ना, जब खूब अच्छे से आप अपने पीसी को साफ कर देते हो धूल गर्दे से, तब इतना डर लगता है कि यार अभी चालू करें तो चालू ना हो। सबसे ज्यादा डर यही, इनसिक्योरिटी यही रहती है, इतने अच्छे से साफ कर दे रहा हूँ लेकिन अभी ओपन, कहीं एक जगह कहीं जले ही ना, कहीं एक जगह तार वार हिल गया, हाँ कांडे हो जाएगा, लेकिन इतने संभाल भी किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, अब इसको पैक करते हैं जल्दी से, देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। यार जय माता रानी। तो गाइस, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं इसको, जब ये जो सारा हमारा कीबोर्ड की कीज़ है ना, सबको निकालेंगे और सबको फिर साफ करेंगे अच्छे से। ये सबसे ज़्यादा यार टफ काम होता है, सबसे ज़्यादा हैक्टिक होता है, एक एक करके निकालो, एक एक करके फिर धुलो, वॉश करो, फिर उसके बाद लगाओ। तो गाइस, अब देखिए, आपको दिखाते हैं कि मेरा कीबोर्ड अब कैसे, मैंने जब साफ कर लिया तो अब देखिए कैसे लग रहा है, देखिए एकदम चमक गया ना। सो गाइस, आज छोटी दिवाली और हमारे इस अयोध्या की पावन भूमि पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और न जाने कितने कितने लोग आए हुए हैं, और हमारे घर में देखिए क्या हालचाल हो रहा है। फिलहाल पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और सभी लोग आज दीपोत्सव का आनंद ले रहे होंगे। अच्छा, मेरा दोस्त कहा था जुगाड़ लगा देंगे, चलोगे चलना, लेकिन लास्ट बहुत ज़्यादा लेट मैंने उसको बताया, नहीं तो हम लोग दीपोत्सव का पार्ट हो सकते थे। लेकिन गाइस, मुझे भीड़ बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ में जैसे मुझे पागल बना देती है, ऐसे मुझे चक्कर आने लगता है, इस वजह से भीड़ में थोड़ा अवॉइड भी करता हूँ। लेकिन दीपोत्सव में हम लोग चलते हैं, हम लोग जाते हैं हर साल दीपोत्सव में, लेकिन जब दीपोत्सव के बाद में रात में 12 बजे जाते हैं अंधेरे में, जब कोई नहीं रहता, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तब देखने जाते हैं, तब भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, तो ज़रूर चलेंगे। लेकिन गाइस, छोटी दिवाली है आज और हमारे घर में अब जा करके पेंटिंग ख़त्म हुई है, पेंट वेंट का काम अब जाके ख़त्म हुआ है, पूरा घर लगा हुआ है, लिपटिया गया है, सब लोग अब भैया जल्दी जल्दी साफ उफ करने में, फाइनल मतलब फाइनल टच देने में, सुबह से तो सफाई हो ही रही है। सो गाइस, हमने लाइट्स अपनी लगा ली है और अब चलते हैं इसको जलाते हैं जल्दी से। इसके लिए यहाँ पर हमको खिड़की खोलनी पड़ेगी, खोलें यहाँ से, तार है हमारा यहाँ पर, इस तार को निकाल लेते हैं, अब तार को कहीं बांध देते हैं, फिर चलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, तार मैंने बांध दिया है यहाँ पर, लगा दिया है आराम से, और अब चलाते हैं, 3 2 1 चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको।
और मैं 3 दिन से यही शर्ट पहना हुआ हूँ, क्योंकि इतना धूल गर्दा ना कि अब क्या करें, उसको बदलें, फिर वही, फिर जो पहने फिर उसमें धूल गर्दा लग गया। अरे भाई बहुत सुंदर लग रहा है, लाइट आपको दिखाते हैं। वेट, ये है हमारे घर की लाइटिंग्स, ये हमने लगाई बस नीली वाली। गाइज लाइट कैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है? मतलब कि हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारा अभी 0 फ्लोर ही है, तो हमने सिंपल एंड शोवर एक लाइट ले आई थी ये लाइन वाली, और ये हमारे यहाँ ला करके रखी हुई थी 2 साल से, और हमने आज इसको लगाया है पहली बार। इतना प्यारा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। स्नेल दब गया मेरे पैर से बेचारा, लेकिन गाइज देखिए कितना प्यारा लग रहा है लाइट। और हमारा ये सिंपल एंड शोवर डेकोरेशन हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है हमारे फ्लोर के हिसाब से। और ब्लू कलर की लाइटिंग वाली ये स्ट्रिप ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। गाइज आई एम सो मच हैप्पी कि मेरी ये जो दिवाली है, समझ लीजिए फर्स्ट दिवाली है विथ यू पीपल, फर्स्ट दिवाली विथ यूट्यूब फैमिली, और आई एम सो हैप्पी बिकॉज गाइज हमारे घर में अभी थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग चल रहा था ना यार, तो इतना हंस फस हुआ था ना कि ढंग से यार सारी ठीक से ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद भी कंसिस्टेंटली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अपने खुद की लाइफ को डॉक्यूमेंट भी करने के लिए कि मैंने ये साल ऐसे ऐसे जिया, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइज। और आप भी उसको देखेंगे तो ये तो और भी अच्छा है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है, आज मैं दिवाली पे आपको बता दूँ कि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि मैंने फला दिन फला ज़िंदगी जी थी, फिर फला दिन फला ज़िंदगी जी थी, उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ, या फिर जब बड़ा हो जाऊँ, या मैं जब बहुत 40-45 साल का हो जाऊँ, तो मैं जब देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो कि अंदर से यार मैंने ये लाइफ जी थी, ऐसे हुआ था, ये गए थे, ये गए थे, ये मम्मी, ये खुशी, ये विनय, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें गाइस। क्योंकि ना मैं हमेशा से ही, मम्मी मेरी जो है बचपन से लेके अभी तक इतना ज़्यादा शौक रखती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं मेरा, फिर उसके बाद हम लोगों का बचपन से लेकर के बड़े तक एक एक वीडियो कहती थी मेमोरीज में कर लो। तो फिर मैं कहा कि मेमोरीज में कर लेते हैं, अब आज से अब ढंग से ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, जब से मुझे पता चला तब। और एक और बहुत बड़ा मकसद है गाइस मेरे ब्लॉगिंग का, मैं आपको बहुत बाद में चलूँगा जब बताऊँगा, जब मैं ढंग से, मेरे पास एक मेरे पब्लिक, एक मेरी ऑडियंस हो जाएगी, एक मेरी यूट्यूब फैमिली जब हो जाएगी, तब मैं बताऊँगा कि वाई आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। सो गाइज हम लोग पटाखों के मेले में आ गए हैं इतने समय, और यहाँ पर आप जितने दूर तक देखोगे ना वहाँ पर पटाखे लगे हुए हैं, और ये गुलाबबाड़ी मैदान है, यहाँ पर हर साल पटाखे का मेला लगता है। यही पटाखे हैं गाइज, पटाखे ही पटाखे हैं यहाँ पर। क्या लेना है, कुछ सोचे अपने लिए, क्या क्या पटाखे लोगे भाई? अभी तक गाइस डिसाइड ही नहीं हो पाया विनय का, क्या क्या ले जल्दी बता, पहले ऐसे बता दो, घूम घूम के फिर लेने शुरू करते हैं। सीको ले लेते हैं। हाँ ठीक है, सीको, वो जो अनार और वो छोटे। सुनो एक काम करते हैं, सीको ले लेते हैं, माचिस बम ले लेते हैं, और छोटा वाला रॉकेट, जलेबी और अनार बम, ठीक है, और वो वाला, अरे पैराशूट वाला, मतलब वो जो इको फ्रेंडली वाला, बुलेट वुलेट मिलोगे? और गाइज मैं तो इको फ्रेंडली वाला जलाने मुझे ज़्यादा मजा आता है, उड़ते हुए जाता है दूर तक, बैलून वाला जो होता नहीं पैराशूट वाला, सबसे फेवरेट है हमारा। बुलेट वुलेट देखते हैं यार, बजट टाइट है ना गाइज, 1,000 रुपये का बजट है हमारा, अब 1,000 रुपये के अंदर हमें गाइज सब खरीदना है, तो अब देखते हैं क्या क्या हो पाता है। 2.5 लाख लोग 2.5 लाख का खरीदते हैं, ठीक है ना, हम 1,000 खरीदते हैं, क्या दिक्कत है, खुशियाँ मनाना जरूरी है गाइज, 1 लाख और 2.5 लाख में अंतर नहीं है कोई। पूरा डब्बा कितने का है? ये 100 रुपये। ये लो इस पर कितने रुपये? 150 रुपये। इसको भी 3 ले लेते हैं। ये दिक्कत कैसे है? ये वाली करना है बड़ी वाली? नहीं नहीं रख दीजिए। अनार ये वाला रख दीजिए। 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। ये 150 रुपये का है? तो 100 रुपये वाला कौन सा है? तो यही रख दिए, एक डिब्बा रख दिए बस। हमने अपने सारे पटाखे ले लिए फाइनली, और देखते हैं बजट कितना बनना है यार, बस अब टोटल कराइए। हॉट एयर बलून, और ये हॉट एयर बलून रखे, वो जो कागज वाला जो उड़ता है, अरे उड़ने वाला। सो गाइस हमने अपने सारे पटाखे खरीद लिए यार, 1,000 रुपये का बजट बना था, लेकिन बहुत आ गया 1,000 में, अच्छी दुकान ठीक ठाक मिल गई, और 1,300 रुपये में हमारा सारा पटाखा आ गया, हमारा मम्मी का, खुशी का,
विनय का सबका सबका मिला करके हो गया हमारा। और अब आखिरी में बचा है वही हॉट एयर बैलून, उसको भी लेते हैं। कितने रुपये पैकेट है ये? 50 रुपये। इतना महंगा कैसे हो गया भैया? ये तो 20 रुपये पैकेट मिलता पिछले साल। पचास रुपये का ये, इसमें कितना रहेगा? एक पीस रहेगा? एक पीस 50 रुपये का है। पिछली साल मैं 25-30 रुपये का लिया था हम लोगों ने पैराशूट ओढ़ने वाला, इको फ्रेंडली वाला। ये सुबह यार 40 रुपये 50 रुपये एक पीस मिल रहा है। लेकिन चलो हमारे सारे पटाखे हो गए यार। विनय यू हैप्पी? वी आर हैप्पी गाइस। और हमारे सारे पटाखे 1200 की रेंज में कंप्लीट हो गए एंड वी आर मच मोर देन हैप्पी। मतलब इतने हैप्पी हैं कि हमने वी हैवंट इमेजिन कि हमको इतना ज़्यादा मिल जाएगा। इतना हम इतने में हम लोग को ऐसा लग रहा था यार कहीं रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना गया, बट हैप्पी कुछ नहीं। नहीं नहीं ले लिए गाइस। अब तो आप क्या, तो सब हो गया हमारा, सारी चीज़ें शॉपिंग हो गई पटाखे वाली। और अब थोड़ी सी अंदर से एनर्जी आ रही है, थोड़ी खुशी मिल रही है, कुछ एक एक्साइटमेंट आ रही है, एनर्जी आ रही है पटाखे के बाद ना, ऐसे फील हो रहा है। बिकॉज घर में बहुत इतना हैक्टिक काम वाम हो गया था ना, डोपामीन रिलीज हो रहा है बिना कहते हैं। और भाई सारी चीज़ें हो गई ना, अब सेटिस्फाइड हो ना? कुछ और तो नहीं लेना ना? नहीं, लेकिन बार्गेन बहुत तगड़ा करते हो। बार्गेन? हाँ यार, इतना भी क्या, मैं तो बस ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग किया। कहाँ से सीखे? पापा से यार, और किससे सीखेंगे? पापा ही तो हैं हमारे बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही तो होता है गाइस। तो वही सोच है मेरे अंदर बार्गेनिंग वाली, वहीं से आई, उन्हीं के पास से। और गाइस कौन ऐसा पागल आदमी होगा जो गाड़ी अंदर कर रहा होगा हेलमेट पहन के मेरे अलावा। अब हम लोगों जा रहे हैं दीपोत्सव का बचा कुचा देखने। तो अब दीपोत्सव के बचा कुचा देखने के चक्कर में अब कार बाहर खड़ी हुई थी, अब पापा कह रहे हैं कि कार अंदर करके चलो। तो अब अंदर कर दे रहे हैं यार जल्दी जल्दी से, बिकॉज 12 ऑलरेडी बज रहा है। मम्मी और हमारी जोड़ी हमेशा से रही है कि जब जब दीपोत्सव हो जाता है उसके बाद का बचा कुचा देखने जाते हैं, बिकॉज तब इतनी भीड़ भी हट जाती है, तो जो कुछ रहता है वो तब भी चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं अयोध्या का दीपोत्सव, दीपोत्सव वाला कार्यक्रम होने के बाद। 12:13 हो रहा है रात के, और आप बिलीव नहीं करोगे कि 12:13 ही हो रहे हैं, वो भी दिवाली के दिन है ये। दिवाली मतलब दीपोत्सव का अयोध्या का दिन है ये, और 12:13 हो रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, और दिए भी जल रहे हुए हैं, कुछ जल गए हैं, कुछ जल रहे हैं। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए लोग, देखिए अब ये तेल जल गया है तो लोग अब तेल बटोर रहे हैं, गरीब लोग तेल बटोर करके ले जाएंगे, सरसों का तेल है, अपने घर ले जाएंगे सब लोग। तो गाइस खास करके ये दीपोत्सव जो है वो गरीबों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब दिए यहाँ के अयोध्या के जल जाते हैं या नहीं जलते, तो वो जो तेल होता है सरसों का वो सब अपने घर लेके जाते हैं। गरीब लोग भर भर के अपने घर लेके जाते हैं, गरीबों का ज़रूर इससे पेट भर जाएगा। ये देखिए भरा जा रहा है ये। गाइस मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंडिया से सारे लोग आए हैं, लेकिन तब भी मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले के लोग तो यहाँ पर आए ही होंगे आज अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। और मम्मी तो चलते चलते थक गई है, थक गई ना मम्मी? मम्मी का तो सांस ऐसे फूल रहा है, बिकॉज घर पे काम भी बहुत की हुई है, इस वजह से थक गई है बेचारी। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख लीजिए ज़रा, यहाँ से वहाँ तक पूरा जितने दिए हैं सारे इधर ही जलाए हैं, और हम इस ब्रिज पे खड़े हुए हैं जो ये पास करती है इधर इस छोर से, और ये राम की पैड़ी है गाइस, दीपोत्सव में हम लोग आ गए हैं शाम। देखिए लेकिन तब भी ये सारे दिए गाइस जगमगा रहे हैं, हमारी अयोध्या एकदम जगमगा रही है आज। कोई नहीं बिलीव कर सकता है कि ये रात के 1 बज रहे हैं अयोध्या में, और इतनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है। देखिए हमारे पीछे यही है अयोध्या, यही दीपोत्सव मनाया जाता है। आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, चूँकि हम लोग अयोध्या से हैं तो अयोध्या वासी हैं गाइस हम लोग, और आपको ये ब्लॉग दे रहे हैं डायरेक्ट अपने राम जन्मभूमि की इस धरती से दे रहे हैं आपको ये ब्लॉग। तो आप देखिए, इंजॉय करिए, और जय श्री राम कमेंट में करिए। सो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सभी लोग दिए से दिया जला रहे हैं, तो ये वो दिए हैं जो जल करके बुझ गए थे, तो इनको फिर से प्रज्वलित किया जा रहा है सारे लोग बैठ करके। और ये लगभग जब से हो रहा है 6 सालों से हो रहा है, तो 6 सालों से ये जो एक रूटीन बनी हुई रहती है लोगों की, शाम लोग आफ्टर दीपोत्सव जब हो जाता है तो आते हैं और सब यहाँ पर दीपक जलाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं नज़ारे देखते हैं, जब पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है। ये एक समझ लीजिए एक क्या बन गया है मम्मी, एक परंपरा बन गई है गाइस ये। तो गाइस अब हम लोगों के घर चलने का टाइम हो गया, लेकिन लास्ट फ्यू सेकंड्स आप देख लीजिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही हैं सारी मूर्तियाँ, कितना प्यारा एक अलग एक अनोखा दृश्य लग रहा है।
रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसा कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, जैसे लग रहा है सही में राम राज्य में आ गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है यार यहाँ पर, सही बता रहे हैं। और गाइज अब आपको हम लोग लेके चल रहे हैं अपनी प्यारी माता रानी सरयू माता के पास। इतना प्यारा इतना अनोखा दृश्य लग रहा है कि आत्मा तृप्त हो जा रही है देख करके, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग कहाँ चले आए हैं, तरफ बहुत ही एकांत शांति में ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर के। देखिए कितना प्यारा लग रहा है दृश्य, और ये पूरा पूरा पूरी सजावट यहाँ से वहाँ तक, हाँ ये देखिए। सो गाइज आई होप आज आप लोगों ने मेरे ज़रिए और मेरे इस ब्लॉग के ज़रिए ज़रूर से ज़रूर दीपोत्सव का दर्शन कर ही लिया होगा, सरयू मैया का दर्शन कर ही लिया होगा। तो आप बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। गाइज पूरा घर लॉक है, सब लोग सो रहे हैं, खुशी बिन है सभी लोग, एरिस भी अब एरिस जान गए हैं। क्या भाई यार थोड़ा हो जाता है यार, कभी कभी दो बजे तक के इतनी भीड़ है भगवान का सामना, बस नरक मचा हुआ, इतनी भीड़ कम से कम बिना 100,000 लोग तो होंगे पूरा फैजाबाद, कार से बाइक से और भीड़ से सभी लोग। हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली गई, सुबह 12 बज गए तो हैप्पी दिवाली हो गई, हैप्पी दिवाली मम्मी, हैप्पी दिवाली सेम टू यू बेटा।